फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल हम और हमारा हिमाचल। और आज है मंडे और अभी सुबह का टाइम है और मैं लगा रही हूँ झाड़ू। अंदर मैंने झाड़ू सारे कमरों में लगा दिया है और अभी बाहर लगा रही हूँ बरामदे में। और बरामदे में झाड़ू लगाने के बाद लगाऊंगी मैं आंगन में झाड़ू। बारिश आज नहीं हो रही है, ठीक है थोड़ा मौसम, पर पता नहीं शायद बादल भी हैं, अभी देखते हैं। बरसात का मौसम है, बारिश का तो कोई भरोसा होता नहीं आजकल, कभी भी लग सकती है। तो बस इसके बाद फिर झाड़ू लगाने के बाद मेरे को लगाना है पोछा। और फिर ये देखिए मैं अभी झाड़ू लगा लिया मैंने सारे घर में, और अभी मैं सबसे पहले लगा रही हूँ पूजा के रूम में पोछा। उसके बाद फिर सारे घर में लगाऊंगी, सबसे पहले मैं पूजा के रूम में पोछा लगाती हूँ, यहीं से स्टार्ट करती हूँ और इसके बाद फिर लगाऊंगी बाकी घर में। तो फिर ये देखिए अभी पूजा के रूम में पोछा लगाने के बाद फिर मैं ये किचन में कर रही थी वॉश बेसन साफ, और वॉश बेसन साफ करूँगी सबसे पहले, उसके बाद ही लगाऊँगी पोछा, क्योंकि वॉश बेसन की सफाई करते टाइम ना नीचे पानी गिरता है, तो फिर वो साथ में पोछे के साथ में वो साफ़ हो जाएगा। और बस फिर इसके बाद लगा लूँगी पोछा मैं सारे घर में। और अभी नहाना है और नहा के फिर सारे काम होंगे। तो अभी देखिए अंदर तो लग गया सारे रूम में पोछा, और अभी लगा रही हूँ मैं बरामदे में पोछा। और ना डेली पोछा लगाती हूँ तो इसलिए फिर मैं एक ही बाल्टी पानी की यूज़ करती हूँ सारे घर में, मतलब डेली लगाने से गंदा तो होता नहीं इतना ज़्यादा, तो वही पानी फिर एक ही बाल्टी का पानी मैं यूज़ कर लेती हूँ सारे घर में। अलग अलग पानी नहीं चेंज करती हूँ बार बार में, अगर दो तीन दिन के बाद लगाओ तो चलो चेंज करना पड़ता है, पर डेली लगाने से ही होता है कि एक ही बाल्टी से हो जाता है, तो इसीलिए फिर मैं नहीं करती हूँ बार बार पानी चेंज पोछा लगाने के लिए, वही पानी यूज़ करती हूँ सारे घर में। तो बस फिर इसके बाद चली जाऊँगी मैं नहाने पोछा लगाने के बाद, और फिर करूँगी मैं पूजा। और ये देखिए अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पर पूजा, अभी टाइम हो गया 9 बजे का, 9 बजे अभी मैं पूजा कर रही हूँ, और पूजा करने के बाद फिर ब्रेकफास्ट कर लेंगे। और फिर आज मेरे को धोने हैं कपड़े भी, कल नहीं धुले थे कपड़े क्योंकि कल ये गए थे तो फिर उसके बाद कपड़े नहीं धुले थे, इसलिए आज मैं धोऊँगी कपड़े। और यहाँ पर ये हमारा तो हो गया था ब्रेकफास्ट, बट बेटे का इसने बोला था मैंने म्यूजली खानी है, तो इसके लिए फिर मैं वही म्यूजली दे रही हूँ दूध में डालकर। तो बस इसके बाद फिर मैं, मेरे को ना मक्खन निकालना है, मलाई रखी हुई है 7-8 दिन की, उसी में से ही मैं मक्खन निकालूंगी अभी। ये ना गाय भैंस का इकट्ठा होता है दूध, तो तभी तो येलो है, वैसे मैं अभी गाय का ही लेती हूँ, पर भैंस का ये आए थे तो इनके लिए लगाया हुआ था एक्स्ट्रा दूध, तो फिर वही हो जाती थी इकट्ठी मलाई। तो देखिए अभी फिर मेरा जो मक्खन है वो बस निकल ही रहा है, निकल गया है अभी। तो इसके बाद फिर मैं कपड़े धोने हैं, और ये देखिए मक्खन मेरा हो गया तैयार, निकल गया, अलग हो गया। तो बस अभी ये मक्खन मैं निकाल लूँगी और ये लस्सी अलग कर दूँगी। तो ये देखिए फिर सारे साफ़ करके मैं मक्खन इकट्ठा कर दूँगी इसका, और आज नहीं घी नहीं निकालूंगी आज मैं, घी कल तक निकालूंगी। तो बस फिर ये देखिए अभी ये हो रहा मेरा मक्खन इकट्ठा, ये ज़्यादा दिन की मलाई हो गई थी, 7-8 दिन की मलाई हो गई थी, मैंने दही बना के रख लिया था 2-3 दिन पहले ही, नहीं तो ऐसे ख़राब हो जाती है मलाई, तो मैंने इसमें दही बना के रख लिया था, फिर टाइम ही नहीं लग रहा था इसको मक्खन निकालने का, तो फिर मैंने कहा चलो निकाल ही लेती हूँ और इसके बाद धो लूँगी फिर मैं अभी कपड़े। चलिए फिर अभी धो लिए मैंने कपड़े और अभी जा रही हूँ छत पर
कपड़े सुखाने के लिए। आज मौसम थोड़ा ठीक ठीक ही है, शायद लग जाए धूप, धूप का भी और बारिश का भी है, पता नहीं लगेगी कि नहीं, पर चलो छत पर ही डाल आती हूँ मैं कपड़े। और ना बादल देखो कितने हैं, मतलब धूप तो लगी आज हल्की हल्की सी, पर पूरा बादल देखो पूरे भरे हुए हैं, शायद आ जाए बारिश है, ना भी आ सकती है, कुछ पता नहीं। तो बस ये डाल लूँगी मैं कपड़े और अभी बनाना फिर मेरे को लंच। आधे कपड़े पिछले तार में डालूंगी, पिछली साइड भी एक तार है उसमें डालूंगी, क्योंकि पतले पतले कपड़े उड़ जाते हैं और इसके नीचे खेत है तो फिर खेत में गिर जाएंगे, तो ये मोटे मोटे डाल दिए इस साइड और पतले पतले पिछली साइड डालूंगी। और इसके बाद फिर ये लंच बना लिया था मैंने, चने की दाल और कढ़ी और साथ में चावल। बस फिर लंच करने के बाद कुछ नहीं, फिर सो गए थे और वही छोटे मोटे काम घर के। और शाम को ना मैंने आज बनानी है, ये देखिए ये चावल हैं, और शाम को मैं आज बनाऊंगी खट्टी मीठी भिंडी। तो ये देखिए अभी ये शाम का टाइम है और भिंडी मैंने काट ली है, और ये भिंडी के लिए मैंने तड़का डाल दिया था जीरा डाल के, अभी जब पक गया तेल तो उसमें डाल दी मैंने हल्दी और बस और कुछ नहीं डालूंगी मैं इसमें, बस इसमें अभी डाल दूंगी मैं भिंडी, हल्दी पकने के बाद भिंडी डाल दूंगी मैं इसमें, और बस फिर कुछ भी नहीं, और इसमें कुछ नहीं डालूंगी ना प्याज और ना ही वो लहसुन, बस ये भिंडी डाल दूंगी मैं सीधी, और मसाला नमक डाल दूंगी और मसाला, क्योंकि मिर्ची तो मैंने भिंडी के साथ ही काट दी थी और हल्दी डाल दी पहले, तो अभी सिर्फ मैं मसाला और नमक डालूंगी और अमचूर, और बस फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसमें ढक्कन बंद कर दूंगी कुकर का, और फिर सीटी आने के बाद इसको, एक सीटी आने के बाद ना इसको फिर मैं कम आँच पर कर दूंगी, बिल्कुल कम आँच पर, लो आँच पर कर दूंगी, बस फिर पकाऊंगी धीरे धीरे, बस फिर अच्छे से बन जाती है, जब एक सीटी आएगी तो उसके बाद फिर इसको कम आंच में कर देना चाहिए, और बस मीठी मीठी आंच में फिर बस ये पकती रहती है हल्की हल्की आंच में, तो बस फिर अच्छे से बन जाती है भिंडी। तो ये देखिए अभी मैंने डाल दिया सब कुछ इसमें, नमक भी डाल दिया और मसाला भी डाल दिया और अमचूर भी डाल दिया मैंने, तो बस अभी इसको मिक्स करके अभी पानी डाल दूँगी इसमें मैं, और पानी डाल के फिर इसका लगा दूँगी मैं ढक्कन। और ये देखिए मैंने डाल दिया आधा पानी, आधा गिलास पानी, और बस फिर सीटी आने के बाद ना इसको कर दूंगी एक ही सीटी, जब फुल प्रेशर बन जाएगा तो उसके बाद इसको कम कर दूंगी मैं, और बस फिर 10 मिनट पकाने के बाद ना इसका ढक्कन खोल के इसको फिर मैश करना होता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग, आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। और आज है मंगलवार, और ये जो ब्लॉग है ना ये सोमवार का है, पर आपको आज मंगलवार के दिन मिलेगा, क्योंकि सोमवार को नहीं कर पाई थी मैं इसकी एडिटिंग, रात को फिर खाना खा के सो गए थे, रात को बनाई थी मैंने भिंडी, तो फिर हम लोग तो खा लेते हैं अच्छी लगती है हमारे को, अभी आप लोगों का सबका अपना अपना टेस्ट होता है, तो ट्राई करिए और बताइए फिर कैसी लगी। तो चलिए फिर कर लेती हूँ मैं ब्लॉग की एंडिंग, कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।